आज हम बनाएंगे परवल की भुजिया साथ में गेहूं के आटे का चटपटा क्रिस्पी लच्छा पराठा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल या वेजिटेबल ऑयल लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक गर्म करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद 1 टीस्पून पचफोरन डालेंगे। पचफोरन में मंगरेल, राई, जीरा, अजवाइन और सौंफ होता है, इसे हम ऑयल में डाल देंगे। जब ये चटकने लगे तो इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए डालेंगे और मिक्स करेंगे। फिर इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डालकर मिक्स करेंगे। फिर इसमें 3 से 4 मीडियम साइज के कटे हुए आलू डालेंगे। मैंने इसे लंबे टुकड़ों में कट किया है, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। आलू डालने के बाद मैंने 5 से 6 परवल को भी लंबे टुकड़ों में काट लिया था और इसे भी इसमें डालेंगे और थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज जले नहीं। ध्यान रहे, प्याज को कभी भी भून के सब्जियों में ना डालें, क्योंकि जब हम भुजिया बनाते हैं तो सब्जियों को भूनते हैं तो प्याज भी साथ में भून जाता है। अगर पहले ही प्याज को भून के डालेंगे तो सब्जियों को भूनते वक्त प्याज जल सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से और इन्हें मीडियम फ्लेम पे ढककर कुक करेंगे। बीच बीच में हम 1/2 से 1 मिनट में ढक्कन हटाकर चला लिया करेंगे। करीब 12 मिनट कुक करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि आलू अच्छे से कुक हो गया है कि नहीं। तो देखिए, आलू सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे बिना ढके मीडियम फ्लेम पे ही भुनेंगे। हम इसे 1 से 2 मिनट में चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कूटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां डालकर इन्हें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम बनाएंगे गेहूं के आटे का चटपटा लच्छा पराठा। इसके लिए हम नॉर्मल गेहूं के आटे का डो लेंगे और एक लोई कट करेंगे और इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। हमें इसे न ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने रोटी को बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर घी या ऑयल को अच्छे से लगा लेंगे। घी लगाने के बाद अब हम इस पे पाव भाजी मसाला स्प्रेड करेंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हरी धनिया की पत्तियां और हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे और इसे नाइफ से लंबे लंबे टुकड़ों में कट करेंगे इस तरह से। कट करने के बाद इस पे हल्का सा आटा स्प्रेड कर देंगे और इसे नाइफ से या हाथों से इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह से घुमाते हुए एक गोल शेप देंगे और आटे का पाउडर लगाकर इसे हम फिर से रोटी की तरह बेल लेंगे। बेलने के बाद इसे हम प्लेट में रख देंगे। अब हम इसी पराठे को बनाने का दूसरा तरीका बताएंगे। उसी तरह हम रोटी बेल के रेडी कर लेंगे इस तरह से। फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे हम पेपर की पंखी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। इसे लंबा फोल्ड करने के बाद इस तरह से घुमाते हुए गोल शेप दे देंगे और आटे का पाउडर लगाकर रोटी की तरह बेल लेंगे। इसी तरह आप कई सारे पराठे रेडी करके सेकें, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो पहले इन्हें रेडी कर लें फिर इसे सेकें। तवे को 1 मिनट हाई फ्लेम पे गर्म करने के बाद पराठे डालेंगे,
और इसे मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड हल्का सेक लेंगे। दोनों साइड हल्का सेकने के बाद घी या ऑयल लगाएंगे और इसे उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन और चित्ती आने तक सेकेंगे। तो देखिए पराठों पर गोल्डन चित्तियां आ चुकी हैं और ये अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के पराठे भी हम इसी तरह सेक लेंगे। पराठे रेडी होने के बाद अब हम भुजिया को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और थोड़ी सी धनिया की पत्तियों से गार्निश कर लेंगे। तो देखिए हमारी परवल और आलू की भुजिया और चटपटा लच्छा पराठा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।